देखिए, मैंने आज सभी से निवेदन किया, अनुरोध किया है कि स्वच्छ भारत मिशन पर जो छोटी छोटी चीज़ें आम जनता को जिसके लिए जागृत करना है, मीडिया के माध्यम से हम सब मिलकर जागृत करें तो हमारा शहर जितना स्वच्छ है उससे भी ज़्यादा स्वच्छ बन सकता है। पर्यटक की दृष्टि से आज देश और दुनिया में उदयपुर का नाम है, लेकिन पर्यटक को बढ़ाने की और भी आवश्यकता है, जिसमें हमें छोटी छोटी सावधानियां रखनी है। जहां तक सवाल है पर्यटक का, पर्यटक स्वच्छता को देखकर आकर्षित होता है और हमारे जितने भी पर्यटक स्थल है उनको और खूबसूरत बनाने की आवश्यकता है। इन सब बातों को लेकर मैंने छोटी छोटी नुस्खे बताए हैं, तरीके बताए हैं। शायद मुझे लगता है कि आने वाले समय में उदयपुर दुनिया का सबसे स्वच्छ शहर बनेगा, क्योंकि ये स्वच्छता की ओर है और स्मार्ट सिटी शहर स्वच्छ न हो ऐसा हो नहीं सकता। और इसमें किस तरह से आप लोगों की हमें सेवाएं या आप लोगों का सहयोग चाहिए, वो मैंने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी लंबे स्तर से डिस्कस किया है। अब अगर आपको भी कोई सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। ऐसा चुनाव नज़दीक है और चुनाव को लेकर क्या जानकारी इस बार रख रहे हैं और इसी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है कि उदयपुर के लिए आपके पास क्या विज़न है ये दिखाने के लिए? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे विज़न को देश और दुनिया में, राजस्थान ही नहीं पूरा देश मेरे विज़न को बहुत अच्छी तरह से जानता है। मेरे को अभी आज कोई किसी भी प्रकार की अगर मैं दावेदारी रखूं तो वो उचित नहीं है। हमारे दावेदारी का जहाँ तक सवाल है, शीर्ष नेतृत्व को ये निर्णय करना है कि वो टिकट देगा तो निश्चित रूप से हम आप लोगों के बीच में आकर चुनाव लड़ेंगे। और चुनाव लड़ना आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई मैटर नहीं है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का तो केवल होली मिलन समारोह और आप लोगों से मिलने का विशेष कारण था जो हमने किया। मुलाकात मीडिया से होती रहेगी? निरंतर मीडिया से मुलाकात में प्रयास करूंगा, निरंतर आप लोगों से, आपके सहयोग से। और आप लोगों को अगर ऐसा लगे कि स्वच्छ भारत मिशन में आप लोगों के पास कोई नया विजन है, आप निश्चित रूप से मुझे बताएं, क्योंकि मैं देश और दुनिया में घूमता हूं तो आपके विजन को भी मैं जनता में शेयर करने का प्रयास करूँगा। यहाँ से टिकट मिला तो लेंगे और करेंगे, फाइट करेंगे? देखिए, टिकट कहीं से भी मिले मुझे, मैं जनप्रतिनिधि हूँ और जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरा चुनाव लड़ने का शौक भी है और मुझे चुनाव लड़ना भी है। देखो मैं सुनो भैया, मेरा जो विजन था, मेरा जो काम करने का तरीका था, मैंने बड़े स्पष्ट शब्दों में आप लोगों को बताया। मैं कहीं ये नहीं कहता कि मैं टिकट का दावेदार हूँ। मैं भी प्रयास करूंगा, मिलेगी तो लड़ूंगा, नहीं मिलेगी मिलेगी। आज मैं ये कहूँ कि मैं दावेदार हूँ, आज मैं दावेदार नहीं हूँ। अगर देखिए, जनप्रतिनिधि कोई भी जनप्रतिनिधि है, सबकी इच्छा ये होती कि वो चुनाव लड़े। तो सर, ये टिकट के प्रयासों की श्रृंखला मान लें? नहीं नहीं, अभी देखिए, ये हमारे यहाँ सिस्टम बहुत अच्छा है कि इसका शीर्ष नेतृत्व तय करता है। मैं तय करने वाला कौन होता हूँ कि मुझे टिकट मिले? हाँ, मैं मांग कर सकता हूँ, लेकिन अभी वो स्थिति नहीं है। मैं आप लोगों से रूबरू इसलिए हो रहा हूँ कि मैं जनता में रूबरू हो रहा हूँ, क्योंकि मैं काम करना चाहता हूँ। मुझे मौका मिला तो मैं भी करूंगा, नहीं मिला तो आपने चार आदमी बताई दिए, चारों में से जिसको मिलेगा उसके साथ चलूंगा। क्या पावर के आदमी काम करेगा तो उसको सफलता मिले या न मिले, ये दोनों चीजें। लेकिन अगर जनप्रतिनिधि है, उसको सफलता नहीं मिलती है तो उसको जनप्रतिनिधि होना ही बेकार है। और सर, एक सवाल और है, चारों की पेरी, चार नाम बताए, चारों की पेरी कर रहा हूँ। ऐसा कोई कार्यकर्ता अगर आगे आता है उसकी पेरी कर सकते हैं क्या? मैं बिल्कुल 100% करूंगा। नहीं, सीएम साहब अशोक गहलोत ने आपको, जैसे आपने कहा, ब्रांड एम्बेसडर बनाया, नेशनल वहां से ऑफर आएगा तो वो भी चले जाएंगे। देखिए, मैं आज टिकट की बात ही नहीं कर रहा हूँ, टिकट की बात तो आप कर रहे हो। इसका मतलब ये है कि आप लोग चाहते हो कि मैं चुनाव लड़ूं। व्यापार है, हाँ, उदयपुर से जाकर अगर मैं मावली जाऊँ या छोटी सादरी जाऊँ या राजसमंद जाऊँ तब आउट है। आपने भीलवाड़ा में भी कोशिश की थी? नहीं, कोशिश करता तो चुनाव करता ही है। अच्छा, देखो, एक बात और बता दूं आपको, शायद आप लोगों को मालूम नहीं है।
मैं गया नहीं, मुझे ले जाने की बहुत प्रयास जनता ने किया। बांसवाड़ा नगर परिषद के चुनाव थे, मेरे नाम की चर्चा पिछले मतलब चुनाव से 6 महीने पहले चालू हुई। अब इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं जाके वहाँ पर नाम दिखा के, पब्लिक की डिमांड थी इसलिए मैं। अभी तो टिकट की बात भी नहीं है, उससे पहले टांग खींचनी शुरू हो गई है। तो संगठन में चलेगा, ये राजनीति है, उसका कोई राजनीति, आपने तो देखा है परसों का सीन। देखिए मैं ना तो अभी हाल फिलहाल दावेदार हूँ, मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कह देता हूँ, मैं कोई चर्चा की तो ये निर्णय तो 1 महीने पहले होगा। नहीं, अगर टिकट मिलेगी तो लड़ूंगा, टिकट मिलेगी 100% लड़ूंगा। अच्छा एक बात और बताता हूँ भैया, मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, अगर मैं चुनाव लड़ा, अगर राजनीति में कहीं से भी कभी भी चुनाव लड़ा, 200 सीटों में से मेरी डिमांड पहले की थी और आज की है, कहीं से भी मुझे टिकट मिला, दुनिया की कोई ताकत मुझे चुनाव नहीं लड़ा सकती, ये मेरा अटूट विश्वास है। और मेरा नहीं, जनता का विश्वास है और आप लोगों का विश्वास है, इन पर विश्वास है। तो लड़ी लो ना नहीं।